हेलो एवरीवन स्वागत है आपका आज के इस वीडियो सेशन में आज के इस वीडियो सेशन में हम एचपीजी का पार्ट फोर डिस्कस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन बिफोर कंस्ट्रक्टिंग वॉइस रिगल लॉज वट वॉज लोकेटेड एट इट्स प्लेस वॉइस रिगल लॉज बनने से पहले इस स्थान पर क्या स्थित था तो इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले हम वॉइस रिगल लॉज के जो फैक्ट्स हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं वॉइस रिगल लॉज जो है वो लोकेट करता था ऑब्जर्वेटरी हिल में जो कि बिल्ट हुआ है जेकोवेथियन स्टाइल में तो जो वॉइस रिगर लॉज है वो कौन सी हिल में सिचुएटेड है ऑब्जर्वेटरी हिल में वहीं बात करें कि इसको डिज़ाइन किसने किया था तो इसको डिज़ाइन करने वाले आर्किटेक्ट थे हेनरी इरविन इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट हुई थी 1880 में और ये कंप्लीट हुआ था 1888 में लॉर्ड डफरिन के टाइम में जो है ये बनके तैयार हुआ था और लॉर्ड डफरिन ही थे जिन्होंने सबसे पहले यहाँ पे रहना स्टार्ट किया था वाइस लॉज को कॉमनली जो है राष्ट्रपति निवास के नाम से भी जाना जाता है यानी कि प्रेसिडेंट हाउस के नाम से भी पर इसको जो है 1960 तक ही प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति निवास के नाम से जाना जाता था उसके बाद 1960 के बाद जो है इसको हैंडओवर कर दिया गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी अब आते हैं इस क्वेश्चन पर इस क्वेश्चन में क्या पूछा था कि वाइस लॉज का जो है

इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो आपका रिज मैदान है शिमला में वहाँ पे आपको किस किस के स्टैचूज़ देखने को मिलते हैं तो मैंने आपके लिए इमेज भी इंक्लूड की है आपने देखा भी होगा महात्मा गांधी जी की जो स्टैचू है वो भी वहाँ पे है इंदिरा गांधी जी की भी है और वाई एस परमार जी की भी है तो तीनों ही जो पर्सनैलिटीज़ है इनकी स्टैचूज़ आपको देखने को मिलेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन और डम्बर आज वर कंसिडर द डिसेंडेंट्स ऑफ विच सेज ऑडंबर किस ऋषि के वंशज माने गए हैं तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने त्रिगर्ता को डिटेल में देखा था इस क्वेश्चन से आपका जो ओडम्बरास जनपद है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीखते हैं ओडम्बरास के बारे में ओडम्बरा जो है महाभारत के अनुसार ओडंबर जो है वो विश्वामित्र के वंशज थे यानी कि जो डिसेंडेंट्स है ओडम्बरास वो किसके माने जाते हैं विश्वामित्र और विश्वामित्र कौन थे इन्होंने जो है कौशिक गोत्र को फाउंड किया था इनकी जो खोज है कौशिक गोत्र की वो किसने की थी विश्वामित्र ने वहीं बात करें जो ओडम्बरास के लोग थे इनके जो सिक्के हैं वो कांगड़ा पठानकोट ज्वालामुखी गुरदासपुर और होशियारपुर जैसे क्षेत्रों में मिले हैं तो इससे हमारे को ये पता लगता है कि जो ओडम्बराज है वो इन स्थान पे रहे होंगे या फिर उनका जो कॉमर्शियल रूट है वो इन क्षेत्रों से रहा होगा अब ओडम्बराज जो है वो शिव की पूजा करते थे अब इससे उनका रिलीजियस का पता लगता है कि वो किसके डिवोटी थे शिव के डिवोटी थे बाद में कुछ ओडम्बराज के जो सिक्के मिले उन पर भी जो है उसमें महादेव और साथ में राना का नाम लिखा हुआ मिला इससे क्या प्रतीक होता है कि वो डिवोटीज किसके थे शिव के ठीक है अब बात करें इनका जो उल्लेख है वो कहाँ कहाँ पे मिलता है तो पाणिनी के गणपत में और डम्बराज जाति का विवरण मिलता है बात करें इनके कॉइन्स की तो इनके जो कॉइन्स है वो कॉपर और सिल्वर के थे और उसमें जो है भ्रामी और खरो दोनों लिपियों में इनमें लिखा होता था और उनके सिक्कों पर त्रिशूल और बैल यानी कि बुल इसकी इनमें इमेजेस थी इनके सिक्कों पर तो इससे मोस्टली क्या प्रतीक हो रहा है आपको कि वो शिव के डिबोटी थे और इनके जो सिक्के हैं उसमें बैल नंदी या फिर बुल की आकृति देखने को हमें मिलती है चंद्र जो कि एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे इनकी बुक में भी जो है ओडम्बराज के बारे में मेंशन है वहीं बात करें इनके ट्रेड रूट की तो ओडम्बराज जो है वो तक्षशिला से गंगा की जो घाटी है यहाँ पर इनका जो ट्रेडिंग रूट है वो चलता था बात करें इनके मेन ऑक्यूपेशन की तो भेड़ पालन इनका मेन व्यवसाय था मेनली जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो बनते हैं से इनके जो कॉइन्स है वो किसके होते थे सिल्वर और कॉपर के ये आपने एक तो याद रखना है सिल्वर एंड कॉपर और मोस्टली जो है वो किसके डिवोटी थे शिव के ये आपने दो पॉइंट्स याद रखने हैं और इनकी जो स्क्रिप्ट है वो क्या थी खरोष्टी और ब्राह्मी तो ये सारे फैक्ट्स आपने याद रखने हैं अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे इसमें क्या पूछा था कि जो अडम्बराज है वो किस ऋषि के वंशज थे तो पहली ही लाइन में आपका मेंशन है महाभारत के अनुसार ओडम्बर जो है वो किसके वंशज थे विश्वामित्र के तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसको ऑप्शन नंबर सी अगले क्वेश्चन पे आते हैं एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस नलवाड़ी फेयर डज नॉट टेक्स प्लेस इन मंडी डिस्ट्रिक्ट अब यहाँ पे क्या पूछा है आपका मंडी जिले में निम्न में से किस स्थान पर नलवाड़ी मेला नहीं मनाया जाता नलवाड़ी फेयर आपने मोस्टली जो सुना है वो बिलासपुर वाला सुना है तो नलवाड़ी फेयर जो बिलासपुर का है उसको पहले हम देख लेते हैं तो बिलासपुर वाला जो नलवाड़ी फेयर है वो एटीन में स्टार्ट किया था और किसने स्टार्ट किया था डब्ल्यू गोल्ड स्टेंड में पर यहाँ पे जो नलवाड़ी फेयर है वो मंडी वाला आपसे पूछा गया है मंडी में भी एक नलवाड़ी फेयर मनाया जाता है तो मंडी में सुंदरनगर में ये मनाया जाता है ठीक है भंगरोतू में ये मनाया जाता है और बच में भी ये मनाया जाता है तो कहाँ पर ये नहीं मनाया जाता रिवाज सर में तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अब आते हैं कुछ एक और फेयर्स एंड फेस्टिवल में जैसे सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं लोसर लोसर जो है वो बुद्धिस्ट के द्वारा मनाया जाता है और मोस्टली जो है ये मोनेस्ट्रीज में मनाया जाता है और किस डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है ये लाहौल एंड स्पीति फिर है हालदा बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है हालदा जो है वो चंद्रभागा वैली में मनाया जाता है और कहाँ पे मनाया जाता है ये लाहौल में फिर है साजो फेस्टिवल साज़ो फेस्टिवल जो है आपको देखने को मिलेगा मोस्टली किन्नौर में फिर है फुलेज फुलेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ मनाया जाता है किन्नौर में फिर है सायर फेस्टिवल ये मनाया जाता है आपका कांगड़ा वैली में फिर है नुआला बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है तो ये जो है वो गद्दियों का मेन त्यौहार है तो मोस्टली जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की जो गद्दी कम्युनिटी है उनके द्वारा ये मनाया जाता है फिर है गोची फेस्टिवल ये मनाया जाता है चंद्र और भागा वैली में फिर बात करें खेपा फेस्टिवल ये भी इंपॉर्टेंट है ये मनाया जाता है किन्नौर में कुछ एक और फेस्टिवल्स मैंने आपके लिए इंक्लूड किए जैसे डोंगरी मेला ये मनाया जाता है मनाली में फिर है सारी यात्रा ये मनाया जाता है कुल्लू में फिर है नागिनी ये मनाया जाता है नूरपुर में फिर फूल यात्रा कहाँ पे की जाती है पांगी में ठीक है सुई मेला चंबा में मनाया जाता है और इससे क्या क्वेश्चन बनता है किसकी याद में मनाया जाता है जाता है रानी नैना देवी जिन्होंने अपना सेक्रीफाइस किया था और छेचू मेला ये भी इंपॉर्टेंट है ये मनाया जाता है मंडी डिस्ट्रिक्ट में तो ये सारे फेयर्स और फेस्टिवल है वो हमने डिस्कस किए अब कई बार आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन से जो है वो इंटरनेशनल फेयर्स है तो आपने याद रखना है कुल्लू दशहरा इंटरनेशनल है मंडी शिवरात्रि मिंजर मेला चंबा का रेणुका मेला सिरमौर का होली जो है सुजानपुर टीरा की और लवी फेस्टिवल रामपुर बुशहर की शिमला डिस्ट्रिक्ट में ये सारे के सारे जो फेस्टिवल्स है ये आपके इंटरनेशनल फेस्टिवल्स है एक और इंपॉर्टेंट मैंने इंक्लूड किया जो एग्जाम में पूछा गया था ग्वेतर फेस्टिवल ये मनाया जाता है लाहौल एंड स्पीति में अगले क्वेश्चन पे आते हैं वेयर इज लुटरू महादेव टेम्पल लुटरू महादेव मंदिर कहाँ पे है बहुत सालों से ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है ये जो टेम्पल है ये सिचुएटेड है अर्की में तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी अब कुछ एक और मंदिर मैंने आपके लिए इंक्लूड किए सारे पॉसिबल नहीं है पर कुछ मेन मेन जैसे चौरासी टेम्पल तो चौरासी टेम्पल कहाँ पर देखने को मिलता है भरमौर चंबा में फिर है संध्या देवी टेम्पल ये आपको देखने को मिलता है मोस्टली जगत सुख जो कि पड़ता है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में फिर है शक्ति देवी टेम्पल ये है ये कहाँ पे है चंबा में फिर है मारकंडे टेम्पल ये कहाँ पे है जुखाला बिलासपुर में फिर है टेम्पल ऑफ लोमश ऋषि ये कहाँ पे पड़ता है रिवालसर मंडी में फिर है कामाख्या देवी टेम्पल ये पड़ता है करसो मंडी फिर है मृकुला देवी टेम्पल ये सिचुएटेड है लाहौल एंड स्पीति में फिर क्वेश्चन है आपके पास हु बिल्ट द तारना टेम्पल तो तारना टेम्पल जो है मंडी का वो किसने बनाया था श्याम से फिर है विच टेम्पल ऑफ कांगड़ा वॉज ब्रोकन एंड रूटेड बाय महमूद गजनवी महमूद गजनवी ने कौन से टेम्पल को तोड़ा था और उसको लूट कर ले गया था वो था ब्रिजेश्वरी टेम्पल फिर है मसरूर रॉक कट टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट तो ये सिचुएटेड है देहरा गोपीपुर कांगड़ा में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू विच ऑफ़ द फॉलोइंग बुक्स ऑन पहाड़ी पेंटिंग हैव बीन बाय है पहाड़ी चित्रकला पर निम्न में से कौन सी जो पुस्तक है वो एम एस रंधावा द्वारा लिखी गई है तो एम एस रंधावा ने बछोली पेंटिंग भी लिखी है कांगड़ा पेंटिंग भी लिखी है और कृष्णा लेजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग ये वाली किताब भी इन्होंने लिखी है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस अब सारी बुक्स को इंक्लूड करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं था पर रिवीजन के लिए मैंने कुछ एक बुक्स यहाँ पे इंक्लूड की है इसी तरह से अगर क्वेश्चन आते रहेंगे तो और भी किताबें मैं इंक्लूड करता रहूंगा जैसे हमारे पास फर्स्ट है हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य तो ये वाली जो किताब है वो किसने लिखी है देवराज शर्मा ने नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश परिचय ये वाली जो किताब है वो भी किसने लिखी है देवराज शर्मा फिर है हिमालयन पॉलियड्री तो ये किसने लिखी है डी एन मजूमदार फिर किन्नर देश ये किसने लिखी है राहुल संख्यान फिर है हिमालयन परिचय ये किसने लिखी है राहुल संख्यान फिर है किन्नौर लोक साहित्य ये पुस्तक लिखी गई है बंसीराम शर्मा के द्वारा फिर है हिमालयन बॉर्डरलैंड तो ये लिखी है राम राहुल ने लास्ट यहाँ पे किताब है हिमालय अ बोर्ड ऑफ लाइट तो ये पुस्तक लिखी गई है निकोलस रॉरिक के द्वारा तो ये सारी किताबें आपने एक बार रिवाइज कर लेनी है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री विच वॉज द फर्स्ट प्रोजेक्ट लॉन्च बाय एन टी पी सी हिमाचल प्रदेश में एन टी पी सी द्वारा प्रारंभ प्रथम परियोजना कौन सी है जो भी एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज रहती है उस पर मैंने एक डिटेल में वीडियो लेक्चर बनाया है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूंगा उसको ट्रिक के साथ हमने वहाँ पर पढ़ा था पर यहाँ पर भी मैंने रिविज़न के लिए कुछ एक जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज़ है वो इंक्लूड किया जैसे फर्स्ट है एन एच पी सी एन एच पी सी किस एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है ये है जो मेरा जो प्रोजेक्ट्स है वन टू और तीन तीनों ही प्रोजेक्ट्स की एग्जीक्यूटिंग एजेंसी कौन सी है एनएच फिर है पार्वती सेकेंड फेज और पार्वती थर्ड फेज इसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी भी कौन सी है एनएच फिर है बी बी एम बी ये किसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है ये है पोंग डैम भाखड़ा नंगल और देहर प्रोजेक्ट फिर बात करते हैं एन टी पी सी एन टी पी सी किसकी है कॉल डैम तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था एन टी पी सी किसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है तो ये किसकी है डैम की और ये कितने मेगावाट का है 800 मेगावाट का और ये दो डिस्ट्रिक्टों के बीच है मंडी और बिलासपुर फिर है एस ये किसकी है नाथपा झाकड़ी जो पंद्रह मेगावाट की है और एक है रामपुर प्रोजेक्ट जो कि चार मेगावाट का है फिर है पी इसकी फुल फॉर्म है पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड तो ये किसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है शानन प्रोजेक्ट जो कि 110 मेगावाट का है और किस रिवर पे है ये उहल रिवर पे इस वीडियो लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डेल देन बाय।